नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है, वहीं कोरोना की दूसरी लहर तो बहुत ही घातक साबित हो रही है और हर तरफ बुरी ही खबरें सुनाई दे रही हैं। इस नेगेटिव माहौल में लोग परेशान हैं, अस्पतालों से लेकर शमशान तक हर जगह चित्कार ही सुनाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं जो थोड़े ही पल ही सही सुकून देने वाली है। तमाम लोग इस दौरान मानवता के सजग प्रहरी बनके भी उभरे हैं और खुले मन से लोगों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसके लिए, कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे रहे हैं, इन्हीं खबरों पर आधारित है हमारा ये खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तमाम पुलिसकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। वहीं ड्यूटी के बाद घर लौटे सैकड़ों पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए, जिनका इलाज कोई और डॉक्टर नहीं बल्कि बिजनौर सीओ ट्रेनी खुद कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2005 में सीओ गणेश कुमार गुप्ता ने MBBS पास कर मेडिकल लाइन को चुना था और यही वजह है कि अब सीओ की देखरेख में चल रहे इलाज के बाद कई पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। पुलिस सेवा के साथ सीओ मरीजों का इलाज कर उनके लिए वरदान भी साबित हो रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें सामने आई हैं, एक प्रेरणादायक तस्वीरें हैं। तो अपनी ड्यूटी से अलग बुरे वक्त में एक अच्छी पहल करते हुए गणेश जोशी ये काम कर रहे हैं। तो बुरे वक्त में अच्छी खबर हम आपको दिखा। तो वहीं गणेश कुमार गुप्ता ट्रेनी सीओ का क्या कुछ कहना है इस बारे में और किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूं, चाहे वो किसी विभाग का कोई परिवार है, ये पुलिस परिवार या कोई अदर भी कम्युनिटी है, तो उसके लिए भी मैं हमेशा अवेलेबल हूं। जो भी मेरे पास फ़ोन करता है, दोस्त यार रिलेटिव या किसी के और परिवार के लोग या किसी और कहीं से भी फ़ोन आता है, तो मैं बिना संकोच के उनको उनकी मदद करता हूँ। और इस समय ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो है ये काम अपनी जो भी पढ़ाई है, उस नॉलेज है, अभी यूज कर पा रहा हूँ। और मैं यहाँ के पुलिस कर्मियों के जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी ये बोला हुआ हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मेरी सलाह और मुझसे जितना हो पाएगा हेल्प वो मैं। तो आप सुन रहे थे गणेश जोशी को, संक्रमितों का इलाज वो कर रहे हैं और साथ ही कहा है कि जिसको भी मदद की जरूरत है मैं उसके लिए अवेलेबल हूं। और साथ ही उन्होंने उन लोगों से भी अपील की है कि जो स्वस्थ हैं, जो ठीक हैं, इस पेंडेमिक में, इस बुरे दौर में आगे आकर मदद कर सकते हैं तो वो भी आगे आए। तो एक अच्छी पहल यहां पर और सभी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं गणेश जोशी, जो कि पुलिस प्रशासन में तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं लेकिन इससे अलग जो उन्होंने पढ़ाई की है अब उस पढ़ाई का भी वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गणेश जोशी की कि किस तरह से वो कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं और अब तक कई ऐसे लोग हैं जो उनकी निगरानी में, जिन्होंने इलाज किया करवाया है, वो उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई है। तो संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं सीओ ट्रेनी गणेश जोशी और आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस स्ट्रीम से पढ़ाई की है और वो उसकी जानकारी रखते हैं जिसका इस्तेमाल वो आज कर रहे हैं लोगों की मदद करने में। साथ ही उन्होंने अपने पुलिस महकमे के लोगों से भी यही कहा है कि अगर वो भी इस दौर से परेशान हैं, अगर वो भी कोविड के संक्रमण में आ गए हैं तो वो भी मदद ले सकते हैं। लेकिन साथ ही उन लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है कि जो लोग मदद कर सकते हैं वो सामने आए और इसी तरीके से मिलकर लड़ाई का सामना करें। और बिजनौर से हमारे संवाददाता फैजल खान का रुख कर लेते हैं। फैजल, सीओ ट्रेनी गणेश जोशी एक प्रेरणादायक बन रहे, एक अच्छी पहल उनकी तरफ से इस बुरे वक्त के दौर में। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये बिजनौर थाने का मामला है जहां सीओ ट्रेनिंग चल रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं और थाना चार्ज इस टाइम बिजनौर का उनके पास है। अगर बात करें उनके कार्यशैली की तो कार्यशैली की बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि वह खुद डॉक्टर बनके कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं और जो पॉजिटिव लोग थे उनको नेगेटिव तक कर दिया है उन्होंने। और इसकी लगातार पुलिस विभाग की एक अलग ही
बात बन रही है बिजनौर में। बिल्कुल, और जिस तरह से गणेश जोशी की हम बात कर रहे हैं, प्रेरणादायक वो इसलिए भी है, खुद एक पुलिस महकमे में है, अपनी भूमिका वहां निभा रहे हैं, लेकिन इससे इतर भी वो अपनी जो भूमिका है एक आम नागरिक के तौर पर जो होनी चाहिए इस पेंडेमिक में वो भी दिखा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई की और आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इस पेंडेमिक से हम सभी गुजर रहे हैं और इसी पर प्रदेश में क्या कुछ हालात है, एसीएस स्वास्थ्य मोहन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो सुने। मेडिकल कॉलेजेस में या निजी अस्पतालों में है और कुछ लोग अभी जो जिनकी पहचान अभी तुरंत हुई होगी इनमें से, वो असाइनमेंट के प्रोसेस में है, उस प्रक्रिया में है जहाँ उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है या अस्पताल में जाने की सलाह दी जाती है। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और 2,69,850 इलाकों में 6,14,681 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,48,09,485 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,76,90,083 है। निरंतर हमारी सर्वेलेंस की टीमें जहां भी संक्रमण पाया जा रहा है वहां जाकर के बड़ी संख्या में लोगों की जांच कर रही हैं, उनका हालचाल पूछ रही हैं और उन्हें सलाह दे रही हैं। साथ ही साथ जो लोग लक्षण युक्त व्यक्ति हैं या संक्रमित व्यक्ति हैं उनको दवाइयां देने का काम भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में हमारा अभियान चल रहा है। सबसे पहले हमने आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से घर घर जाकर के हमारी टीमों ने लोगों का हालचाल पूछा और इसी बीच अब बात करते हैं उत्तराखंड के रुड़की की। उत्तराखंड में बढ़ रही है कोरोना महामारी की चेन, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। महामारी की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 11 मई से 18 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। सिर्फ आवश्यक दुकानें कुछ समय तक खोले जाने का आदेश है और ऐसी स्थिति में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी खासा असर पड़ रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से घरों में ही रहने पर मजबूर ऐसे लोगों को परिवार के पालन पोषण करने की चिंता सताने लगी है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस गरीबों की हमदर्द बनकर उभर रही है और इस मिशन के तहत, हौसला के तहत गरीब असहाय लोगों को राशन उपलब्ध करवा रही है जिससे गरीबों को भूखा ना रहना पड़े। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से संचालित ऑपरेशन हौसला मिशन में मंगलौर कस्बा चौकी प्रभारी शहजाद अली ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे में असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। तो कस्बा चौकी प्रभारी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये मिशन चलाया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी के चलते लोगों को बाहर ना निकलना पड़े और असहाय निर्धन लोगों को भूखा ना रहना पड़े। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज हमारे द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन हौसला के तहत निर्धन व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। मेरी मंगलौर की जनता से अपील है कि लॉकडाउन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए अपने घरों में बने रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। भविष्य में भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। और आवाज चंडीगढ़ की। कोरोना काल में एक तरफ कुछ लोग ऑक्सीजन और तमाम जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी में लगे हैं, तो वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, खुले हाथ से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में एक होटल मालिक अंजुम गोयल इस कोरोना काल में कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में घर तक भोजन पहुंचा रहे हैं। वहीं कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए परिजनों को भी भोजन की व्यवस्था की गई है और ऐसे समय में जो कोरोना मरीजों से अपने भी मुंह में मोड़ रहे हैं, ऐसे में उनके भोजन की चिंता करना, उनको मुफ्त में भोजन देना निश्चित ही एक सराहनीय पहल है।
तो चंडीगढ़ के एक होटल में मालिक अंजुम गोयल, एक अच्छी पहल, कोविड मरीजों को मुफ्त में खाना पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। तो ये चंडीगढ़ की तस्वीरें और पूरी तरीके से हाइजीन का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो कोविड 19 के तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए ये मदद की जा रही है। We are providing them free meals, and not only the COVID patients but the whole family, because in a house when there is a containment zone, no one is able to reach out or move out of the house. So we are providing meals to the whole family. तो कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं और संकट के बीच खुद सीएम योगी मोर्चा संभाले हुए